चुराह की जनता ने ये पहली बार इतिहास बना है चुराह विधानसभा क्षेत्र में, जो पिछले 1952 के चुनाव के बाद कभी नहीं हुआ। किसी भी विधायक की कभी हैट्रिक नहीं लगी थी और कभी भी जो है वो जो नया प्रत्याशी छोड़ा था किसी भी पार्टी ने चुनावों में, वो कभी नहीं हारा था। लेकिन मैं माँ बैरेवाली का बहुत धन्यवाद करता हूँ और माँ चांदवाली का, गडाश्रु महादेव का, अपने महलनाग का, उन सभी देवी देवताओं का और अपने माता पिता का, अपने उन सभी कार्यकर्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का और चुराह की समस्त जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझ पर जो है वो विश्वास रखा। जो बेड़ा हमने उठाया है चुराह विधानसभा क्षेत्र को आगे ले जाने का, उसके लिए आपने मुझे फिर से काबिल बनाया। और ये जो एक टाइम ऐसे लग रहा था कि हम लोग जो हैं वो जिस रफ्तार के साथ चले हैं, चुराह की जनता उस रफ्तार को ब्रेक नहीं लगने देगी। और चुराह की जनता ने चाहे हमारा गढ़ बूथ था, चाहे हमारा लास्ट इधर बड़ों का बूथ था, चाहे क्याणी, चकलू, चंडी, पलई, इवन जसौरगढ़, देवला, चांजू, हमारा हिमगिरी का इलाका, ऐसा कोई बूथ नहीं बचा है जहां से लोगों ने भरपूर समर्थन नहीं किया है। मैं ये सारी की सारी जो है वो जीत का श्रेय जो है वो चुराह विधानसभा क्षेत्र के बच्चे बच्चे को देता हूं, माताओं को देता हूं, बुजुर्गों को देता हूं, उन युवाओं को देता हूं, उन भारतीय जनता पार्टी के सभी सपूतों को देता हूं जिन्होंने रात दिन लगा करके इतनी बड़ी आंधी में भी अपने आप को सर्वाइव भी करवाया और ये हैट्रिक भी लगाई। ये बहुत बड़ी बात है। सर, तीन बड़े ऐसे काम जो करना चाहते हैं चुराह विधानसभा क्षेत्र में, किसी बार एक तो हमने कहा है कि स्वास्थ्य के लिहाज से हम बहुत पीछे हैं अभी भी चुराह विधानसभा क्षेत्र में, स्वास्थ्य ठीक करेंगे। दूसरा जो है वो अभी हमको पढ़ाई में, मतलब स्टडी के लेवल से गुणात्मक शिक्षा की तरफ भी जाना है और रोजगार कैसे हो लोगों को, अपने बच्चों को, पर्यटन है, नेशनल हाईवे का है और हमारा जो कृषि बागवानी का है उसमें हमको बहुत आगे बढ़ना है। ये हमारी तीन चार बेसिक प्राथमिकताएं रहेंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद दिया था, उसको आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। और आने वाला समय जो है वो चुराह विधानसभा क्षेत्र का है, चंबा का है, मैं ऐसा मानता हूँ। थैंक यू।